हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो चलिए करते हैं दिए का मेकओवर, जो कि दिवाली सीजन में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक दिया जिसको मैं कलर करूँगी, और यहाँ पे मैंने एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है जो कि अच्छे से ड्राई होता है और रिमूव नहीं होता है। तो मैंने येलो और ब्राउन शेड का कलर लिया हुआ है जिसको मैं अच्छे कंसिस्टेंसी में यूज़ कर रही हूँ। आप अपने कलर अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दो कोट करूँगी ताकि अच्छे से इसका कलर निखर के आए। गाइस, ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। मैंने बहुत अच्छे से इसका कलर कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बीच में ब्राउन कलर भी अप्लाई करूँगी ताकि इसे सूरजमुखी का इफेक्ट आए। तो इस पर मैंने दूसरा कोट भी अप्लाई किया है तरीके से, और ये जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसा ही कलर मिला है। आई एम हैप्पी। देन अगेन मैंने इस पर क्या करते हैं, अब ब्राउन कलर का कोट किया। मैं दो बार कोट नहीं किया है ब्राउन कलर, क्योंकि ब्राउन कलर डार्क होता है जो अच्छी खासी डार्कनेस देता है जैसा चाहिए होता है हमें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद रियली गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। मुझे कैसा लगता है, बस सूरजमुखी आ गई हो, खिल गई हो। और अगर दिवाली के टाइम पे ऐसा हो लुक तो मज़ा ही आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लू इसलिए अप्लाई किया ताकि मैं इसमें थोड़ा सा सूरजमुखी का इफेक्ट दूँगी, और वो होगा टी से। टी मतलब चाय पत्ती लीजिए और इस पर डाल दीजिए, और सूखने तक का प्लीज इसे निकालिएगा नहीं ताकि अच्छे से इस पर चिपक जाए। उसके बाद इसे निकाल देंगे और उसका लुक कुछ इस तरीके का। तो हमारा पहला DIY दिया कंप्लीट है। तो सेकंड मैंने ये दिया मेकओवर किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे ब्राउन कलर से ही कलर किया है क्योंकि ब्राउन कलर सबसे अच्छा होता है। तो इसे मैं इसमें से दो कलर का प्रयोग कर रही हूँ। ये अली कोवर है दिए का, जिसमें ब्राउन एंड वाइट सेट काफ़ी अच्छा लगता है। जब इसमें अब दिया जलाओगे तो भी अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है गाइस। अभी मैंने वाइट कलर लेकर इस पर अर्ली डिज़ाइन में कवर किया। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या तो इसे आप टूथपिक से भी करिए, ब्रश से अगर आपको अच्छा लगे तो ब्रश से भी करिए, पेन के निब से भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि आगे का बॉल आकार में बना हो। नाउ आई एम डन। देन आई यूज डिज़ाइन। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया गाइस। अब इसमें मैंने ये डिज़ाइन बनाने के बाद उनकी साइड साइड में मोतियाँ भी अप्लाई की हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप भी चाहें तो आप वाइट रख सकते हैं, अदर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनल टच ही ऐसा है। इसके बाद मैंने दो और बनाया है जो कि सेम एज कलर है, बस बैकग्राउंड बैक साइड का कलर मैंने रखा हुआ है। ओके गाइस, नेक्स्ट यहाँ पर है, मैंने एक स्टोन को कलर किया हुआ है। जी हाँ, ये स्टोन है। हाँ, कोई पत्थर उत्थर मत, मतलब जो आपके पास हो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप उसे अपने कलर अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, कुछ भी। बट यहाँ पे मैं सिमिलर रखना चाहती हूँ सारे को, जैसे ब्राउन, येलो, ब्लू। दैट्स व्हाई आई गो विद ब्लू कलर। इसमें फर्स्ट कोट अप्लाई करना ही इनफ होगा। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको आप इसमें कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। दिया मैंने जिस तरीके से बनाया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दिवाली फेस्टिव सीजन है तो उसके अकॉर्डिंग ये है।
यहाँ पे ये मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लिए हैं, ये न्यू फ्लावर नहीं है गाइस बिल्कुल भी। मैंने कुछ ओल्ड एंड कुछ न्यू स्टफ ही यूज़ किए हैं, ज़्यादा रिच नहीं है, चीपेस्ट ऑलमोस्ट। इसको मैंने एक ही फ्लावर से बनाया है, इसे कट करिए और इस फ्लावर को अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये अच्छे से अप्लाई होगा ना ये निकल जाएगा। और इसे मजबूती देने के लिए इस पर दो तीन कोट अप्लाई कर दीजिए फेविक बोल के। उसके बाद आप कुछ कागज लीजिए, उसे कट कर लीजिए किसी भी साइड पर, पीछे से इसको ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए, ताकि पीछे से निकले ना एक अच्छी मजबूती से मिल सके। और इसे पलटने के बाद हैव अ लुक, काफ़ी अच्छा है ना गाइस। ओके फिर इस पे मैं लिखने वाली हूँ हैप्पी दिवाली। ये पे तो मैंने लिखा नहीं था, तो मैंने सोचा मैं यही लिखूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब पहले मैंने टूथपिक का यूज़ किया था, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैंने ब्रश से ही किया। आपको जैसा इजी लगे आप कर सकते हैं। ग्लिटरी का कलर को यूज़ किया है, चूँकि मुझे ऐसे नहीं अच्छा लग रहा था बनाने पे, देन बाद में मैंने इसे ऐड कर लिया। आपको कोई भी क्राफ्ट बनाना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा न्यू मटेरियल ही यूज़ करें, पुरानी भी चीज़ों से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करिए। गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़।